नमस्कार, मैं हूं आरती तुनाक और आप देख रहे हैं गुरुग्राम प्लस आपका विश्वास। गुरुग्राम में बढ़ते हुए प्रदूषण को देखते हुए पर्यावरण संरक्षण विभाग ने एक शुरुआत की है, जिसके तहत सड़कों पर और पेड़ पौधों पर पानी के टैंकरों द्वारा छिड़काव किया जाएगा, जिसके लिए गुरुग्राम पर्यावरण संरक्षण विभाग के द्वारा पानी के 10 टैंकरों को दौड़ाया जाएगा। गुरुग्राम में वायु प्रदूषण की गुणवत्ता लगातार बिगड़ती जा रही है और दिवाली के बाद तो AQI लेवल 500 के पार पहुंच गया था, लेकिन शासन प्रशासन और जनता की कोशिशों के बाद आज ये लेवल 350 तक हो गया है। पर्यावरण संरक्षण विभाग द्वारा जब इन टैंकरों को हरी झंडी दिखाई दी तो हमारे संवाददाता राजेश दुहन मौके पर मौजूद रहे, जहां उन्होंने पर्यावरण संरक्षण विभाग की प्लानिंग को करीब से जाना। गुड़गांव में लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है, जिस जहां पर सरकार ने भी अहम फैसला लिया है, कंस्ट्रक्शन बंद कर दिए गए, स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं, बच्चों को बूढ़े को परेशानी का काफ़ी सामना हो पाया। जहां नवीन गोयल जी ने बीड़ा उठाया है प्रदूषण पर सदा लड़ने का, तो हमारे साथ नवीन जी हैं जो पर्यावरण प्रमुख हैं, उनसे बात करते हैं। तो कितने टैंकरों यहाँ पे इनके टैंकर निकाले गए हैं पानी छिड़कने के लिए, नीचे धूल मिट्टी को दबाने के लिए पेड़ों पर भी छिड़काव किया जाएगा। नवीन जी, कितने टैंकर लगाए गए हैं? आज 10 टैंकर की शुरुआत की गई है और ये पूरे लगातार आने वाले 10 दिन लगे, 5 दिन लगे, 15 दिन लगे, जब तक AQI लेवल गुड़गांव कम नहीं हो जाएगा, जब तक गुड़गांव की हवा साफ सुथरी नहीं हो जाएगी, हम इसके ऊपर लगातार काम करेंगे। सभी को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, आंखों में जलन हो रही है, सांस की दिक्कत हो रही है, जिन्होंने सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है उनको काफ़ी परेशानी हो रही है, बच्चों को परेशानी हो रही है, स्कूल कॉलेज सभी बंद कर दिया गया, इंडस्ट्री एरिया बन गई, यहाँ तक कि जो 10 साल पुराने डीजल वाहन हैं उनको भी बंद कर दिया गया है और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन भी बंद कर दिया गया, उसके बाद भी प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा। देखिए, इसका कारण हम सब लोग हैं, हम पर्यावरण के अपनी प्रति अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करते हैं। आज गुड़गांव कंक्रीट का जंगल बन गया है, हम एक तरफ पेड़ काटते चले जाते हैं, हम सब लोग रेड लाइट के ऊपर अपनी गाड़ी को बंद नहीं करते हैं। एक एक ऐसा परिवार मैंने गुड़गांव में देखा है जहाँ जिनके 3 बच्चे एक स्कूल में जाते हैं और अलग अलग 3 गाड़ियों में जाते हैं। ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्यों? हमारे को शेयरिंग की आदत करनी पड़ेगी, हमारे को पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना पड़ेगा, हमारे को कम से कम ट्रैफिक में हम जब जाएं, जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम हो, हम अगर अपने आसपास की सफाई रखेंगे, हम अपने आसपास के इलाके में पानी का छिड़काव रखेंगे, अगर हम हर साल 5-10 पौधे लगाएंगे, उनको अपने बच्चे की तरह पालेंगे, अगर हम पानी का फिजूल खर्च नहीं करेंगे, अगर इन सब विषय पर हम काम करेंगे, जब ये गुड़गांव साफ़ सुथरा हो सकता है, जब ही हरियाणा साफ़ सुथरा हो सकता है, जब ही हमारा देश साफ़ सुथरा हो सकता है, जब ये हवा जो आज जहरीली हो गई है, ये हवा जो हमारे सांसों के लिए खतरनाक हो गई, जो हमारे सांसों के लिए प्राणदायी है, जब ये साफ़ सुथरी हो सकती है, इसके लिए हम सबको आज से अभी से प्रण लेना पड़ेगा, जागना पड़ेगा, इसकी शुरुआत अभी से करनी पड़ेगी। आप ये काली गाड़ी सामने देख रहे हैं, जब मैं आया था बिल्कुल साफ़ थी, इतनी गंदी डस्ट इसके ऊपर जम गई है, आप देखिए कि कितना बुरा हाल यहाँ पर हो गया है। इसकी चिंता हम सबको करनी पड़ेगी, इसके कारण हम सब लोग हैं और इसको ठीक भी हम सब लोग करेंगे। सर, सीएम साहब ने प्रदूषण रोकने के लिए एक टीम गठित की गई थी, शायद वो टीम पहले गठित की जाती, आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। नहीं, ऐसा नहीं है, सरकार की तमाम योजनाएं प्रदूषण कम करने के लिए बनाई जाती हैं और उस काफ़ी सक्सेस भी होती हैं। हमारे रीजनल अफसर जो पोल्यूशन डिपार्टमेंट के हैं कुलदीप जी, वो भी तमाम डायरेक्शन देते हैं और तमाम डायरेक्शन पर काम होता है, लेकिन हमारी आदतें इतनी ख़राब हो गई हैं, ना केवल मेरी, आपकी, हम सब की, कि उन आदतों के अंदर चेंज लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है और इसका कारण हम सब लोग हैं। यहाँ कोई एक स्टेट की समस्या नहीं है, ये कई स्टेटों की समस्या है, बहुत ज़्यादा दिक्कत यहाँ पर हो गई है। अगर हम और विदेशों से तुलना करें तो हमारे देश के अंदर हमारी आदतें इतनी ख़राब हो गई हैं, जब तक ये हम सुधार नहीं करेंगे तो हर साल ऐसी दिक्कतें आएंगी। सर, सरकार ओड इवन फार्मूला जो लागू करने जा रही है, उसको कितना फ़ायदा मिलेगा, क्या वे सही है? देखिए, सरकार हर तरह के एक्सपेरिमेंट कर रही है, जो पीछे 3 दिन से एक्सपेरिमेंट किया उससे काफ़ी सुधार हुआ है। आप देख लीजिए, स्कूल कॉलेजों को बंद करने के आदेश दिए गए हैं, कंस्ट्रक्शन साइटें बंद करने के आदेश दिए गए हैं, जो भी डीजल से चलने वाली इंडस्ट्री है उनको बंद करने के आदेश दिए गए हैं। उन सब कारणों की वजह से काफ़ी AQI लेवल में सुधार हुआ है। आने वाले 4 दिन की गाइडलाइन और जारी कर दी गई है, मुझे लगता है अगर और जरूरत पड़े तो सरकार और भी करेगी, लेकिन जब तक ये AQI लेवल कम नहीं होगा, हमारा पर्यावरण विभाग भी पूरा काम करेगा।
सर, ये जो आपने ये प्रदूषण मुक्त जो जल संरक्षण का बीड़ा उठाया है, ये कौन कौन से रूटों पे जाएगा और ये अभियान कितने दिन चलेगा? ये हमने गुड़गांव के 24 रोडों को चिन्हित हमने किया है, जो बड़े रोड हैं। सबसे पहले हम 24 रोडों पर हम काम करेंगे, जहाँ पर थिकली पॉल्यूटेड एरिया है उस पर हम काम करेंगे, जहाँ पर ज़्यादा कंस्ट्रक्शन है उस पर हम काम करेंगे, और उसके बाद हर सेक्टर, हर कॉलोनी, हर सोसाइटी को लगने का हमारा पूरा प्रयास रहेगा। और जहाँ से भी कॉल आएगी उस कॉल को भी हम अटेंड करेंगे, वहाँ पर भी हम पूरा प्रयास करेंगे कि पहले पहले जितना प्रायोरिटी हो उसके वहाँ पहुँचे। जिन्होंने यह बीड़ा उठाया प्रदूषण कम करने का, अब आने वाला वक्त ही बताएगा ये प्रदूषण को कितना काबू लाते हैं। कैमरामैन इनके साथ मैं राजेश दून, गुरुग्राम प्लस। जैसा कि आपने देखा कि गुरुग्राम पर्यावरण संरक्षण विभाग गुरुग्राम में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए तमाम कोशिशें कर रहा है। जनता और प्रशासन की तमाम कोशिशों के बाद भी कब गुरुग्राम में वायु सांस लेने लायक बन पाएगी तो देखते हैं। और आपकी क्या राय है, आपका क्या भाव है कि इस वायु प्रदूषण को कैसे कम किया जा सकता है, आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं और हमारी खबर को गुरुग्राम के हर वासी तक पहुंचाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। गुरुग्राम की हर छोटी बड़ी खबर के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें गुरुग्राम प्लस, और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हमें कॉल और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, हमारा नंबर है 9643107600।